सो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा जो आपका छठवीं का यहाँ पर संस्कृत का पेपर पूरा पूरा हमारे पास जो है आपका रियल पेपर आ चुका है। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है क्योंकि जो गाइस आपका रियल पेपर है पूरा का पूरा हम क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। देख लीजिए गाइस जो आपका पेपर है कक्षा छठवीं वालों का क्लास छठवीं का जो यहाँ पर पूरा पेपर है हम पूरा लेकर आ चुके हैं। जो आपका संस्कृत का पेपर होना है 10 तारीख को होना चुका है, हम पूरा जो आपका पेपर लेकर आ चुके हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से आपके टोटल क्वेश्चन जितने भी है 24 क्वेश्चन है। सो गाइस पूरे देखेंगे सॉल्यूशन सही। सो गाइस हम इस वीडियो में आपके जो उत्तर भी है इसी वीडियो में बता देंगे। सो गाइस आपको पूरे याद कर लेना है। चलिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन जो है हल सहित करा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो आपकी वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट है 2022-23 यहाँ पर जो सेट बी सेट का पेपर है यहाँ पर कक्षा छठवीं विषय संस्कृत पूर्णांक 60 के रहने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 24। सो गाइस आप अपने जो जानकारी है भर लेना है जैसे आपने पिछले पेपर में भरी है उसी तरह भर लेना है। चलिए गाइस अब आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाता है सर्व प्रश्न अनिवार्य संति। सो गाइस ये आपके निर्देश पढ़ लेना आपको। चलिए अब आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न 1-10 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। सो चलिए यहाँ पर निर्देश विकल्पम चित्वा लेखनत। सो गाइस चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अधोलिखित शब्देशु अव्ययम नास्ति। सो गाइस यहाँ पर जो शब्द है सो गाइस इसका जो तत्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो गाइस आपको उत्तर में क्या भर देना है तत्र भर देना है। यहाँ पर जो इसमें अव्यय क्या है यहाँ पर तत्र जो आपका पत्र है सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्र हो जाएगा। यहाँ पर जो द ऑप्शन दिया हुआ पत्र ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा। सो गाइस हमने बता दिया आपको पूरे क्वेश्चन हम दिखाने वाले हैं। सो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा है प्राचार्य अस्मिन पदे उपस्थिति। सो गाइस इसमें हो जाएगा प्रा जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो प्रा हो जाएगा। यहाँ पर प्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्राचार में आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रा। ये जो आ ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है तीसरा है यहाँ पर 16 जो है 16 गणित में लिखा हुआ है इसे संस्कृत भाषा में लिखना है। सो 16 का संस्कृत भाषा में हो जाएगा पूस जो यहाँ पर 16 से हो जाएगा। यहाँ पर जो आ ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए हमने उत्तर में लिख दिया आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। जो आ ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाता है यहाँ पर चौथा सप्ताह है प्रथम दिने अस्ति जो सप्ताह में प्रथम दिन है सोमवासरे। यहाँ पर सोमवासरे हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो बा ऑप्शन दिया हुआ है चलिए हम उत्तर में लिख देते हैं। आपको भी इसी तरह जो पेपर में है उत्तर में लिख देना है सोमवासरे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बा ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक अंक के आपके ये सभी क्वेश्चन है देख लीजिए एक एक अंक वाले क्वेश्चन है। फिर गाइस आ जाता है आपका पाँचवा हस्तुम इत्यस्य प्रत्यास्ति। ये हस्तुम जो है हस्तुम में है आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या भर देना है तुमुन। यहाँ पर देख लीजिए हमने भर दिया तुमुन भर दिया तुमुन आपको भी भर देना। देख लीजिए जो आपका पेपर है कक्षा छठवीं का संस्कृत का पेपर से यहाँ पर बी सेट का पेपर है। तो गाइस आपका बी सेट का पेपर हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं पूरा। सो गाइस यहाँ पर फिर आ जाता है आपका छठवां अश्वास वो आपका हो जाता है धावती। यहाँ पर हो जाएगा जो सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। धावती आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस आ जाता है सातवां यहाँ पर पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। पंचमी विभक्ति हो जाएगी आपकी वृक्षार्थ जो इसमें पंचमी विभक्ति बताना है आपको। सो इसमें हो जाएगी आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वृक्षार्थ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो याद कर लीजिए। चलिए अब आ जाता है आपका आठवां 26 जननी नाम किम अस्ति। सो गाइस इसका जो है अंजना हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर जल्दी से यार वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आपके सभी विषय के पेपर हैं हम इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरे प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस फिर आ जाता है आपका नौवां संस्कृतम .. भाषा। संस्कृत कैसी भाषा यहाँ पर हो जाएगा आपका जो यहाँ पर हो जाएगा शास्त्रस। सो बा ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम उत्तर में लिख देते हैं। देख लीजिए हमने उत्तर में भी आपका लिख दिया है
जल्दी से इसे याद कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, जल्दी से सभी लोग जो आपके सभी विषय के जो पेपर है इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर गाइस आ जाता आपका दसवां, चलिए आप दसवां देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका दसवां, भोपाल नगरम डॉट डॉट राजधानी, भोपाल नगर किसकी राजधानी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश। सो गाइस आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। सो गाइस यहाँ पर आपको लिख देना उत्तर में मध्य प्रदेश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आ ऑप्शन दिया हुआ है आ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस हमने आपके उत्तर में लिख दिया है मध्य प्रदेश। फिर गाइस आ जाते हैं आपके जो है लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न आपके 11 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर निर्देश देखने को मिल जाता है आपको, निर्देश अनुसार उत्तरायण लिखा। चलिए गाइस इसके उत्तर आपको बता देते हैं पूरे पूरे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है परलोक के धनम किम। सो गाइस यहाँ पर जल्दी से आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम इसके जो आंसर है इसके नेक्स्ट वीडियो आपको पूरे पूरे प्रोवाइड करा देंगे। सो जल्दी से अभी आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपके क्वेश्चनों के आंसर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप जल्दी से पूरे पूरे क्वेश्चन दिखा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको इसका जो है उत्तर बता देंगे। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर 12वां आ जाता है आपका अयोध्या नगरी कश्मीर प्रदेश अस्थित, जो अयोध्या नगरी है कश्मीर प्रदेश में है। सो गाइस यहाँ पर फिर 13वां आ जाता है आदि कवि कहाँ अस्थि, आदि कवि कहाँ अस्थि, ये आपके तीन तीन अंक वाले क्वेश्चन है। फिर गाइस यहाँ पर 14वां आ जाता है कस्मात जना श्री कृष्णस इतिहासम जानति। सो गाइस ये आपका 14वां हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से फटाक से पूरे पूरे क्वेश्चन आपको दिखा देते, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और इसके उत्तर है हमने बता दिया आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा पूरा प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस यहाँ पर 15वां आ जाता है मोहन रात्रो किम पश्यति। सो गाइस ये आपका 15वां हो जाएगा। 16वां देख लीजिए रुचिकरा भाषा का अस्थि। सो गाइस ये आपका 16वां हो जाएगा। तीन तीन अंक वाले बता दिए जो आपके क्वेश्चन है, ये सभी तीन तीन अंक वाले क्वेश्चन है। सो गाइस फिर आपको आ जाता है 17वां दीपावली लक्ष्मी कदा पूज्यते। सो गाइस ये आपका 17वां हो जाएगा। फिर गाइस 18वां आ जाता है गुड़स अभ्यम किम। सो गाइस ये आपका 18वां हो जाएगा। फिर 19वां आ जाता है आवश्यकताम केशाम जननी अस्थि। सो गाइस ये आपका 19वां हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां के बाद आपके जो पांच पांच अंक वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए 20वां दशरथस कति पुत्र आसन। तो गाइस दशरथ का पुत्र यहाँ पर आपको बताना है कितने पुत्र थे, यहाँ पर आपका ये तीन नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर गाइस आ जाते हैं आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न, यहाँ पर 21 से 24 तक आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है। चलिए यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न भी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर देख लीजिए विद्या विशेष संस्कृत पंच वाक्य लिखना है आपको, विद्या पर पाँच वाक्य लिखना है आपको संस्कृत भाषा में। फिर गाइस आ जाता है आपका 22वां आ जाता है मध्य प्रदेश पंच दृश्य स्थलम सूची निर्वत कुरत। सो गाइस यहाँ पर आपको जो है हम आपकी सभी के आंसर दे देंगे, जो आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है इनके भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्द सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर 23वां आ जाता है आपका प्रत्यय शब्द, यहाँ पर जो आपको है यहाँ पर इनके उत्तर देना, देख लीजिए का जो का क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए सूर्य परोपकार तपती। सो गाइस ये आपका का हो जाएगा, खा है आपका माता सर्व भोजनम पचती। सो गाइस ये आपका खा हो जाएगा। इसमें गा क्वेश्चन भी है, गा क्या कह रहा है यहाँ पर वृक्षभ्य फलानी जयंती। सो गाइस ये आपका गा हो जाएगा। फिर गाइस आ जाता है आपका 24वां क्वेश्चन है संस्कृत शब्द आकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, संस्कृत भाषा में आपको अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। तो गाइस हम इसका जो प्रार्थना पत्र आपको पूरा पूरा लिखकर बता देंगे, आपको किस तरह लिखना है अच्छे तरीके से आपको बता देंगे, ताकि आपको जो पाँच में पाँच पूरे पूरे फुल मार्क्स मिल जाएँ। तो गाइस इस तरह जो आपका पेपर है पूरा पूरा हो जाता है। एक एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, वो गाइस जो सॉल्यूशन है इसका हमने बता दिया आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना, जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपका पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।